मुश्किल में मुस्कान, खतरे में बुलबुल की जान और ललिता करे डांस। दंगल टीवी के सीरियल रंजू की बेटियां में रंजू की बेटियों पर आ गई है मुसीबत। असल में ललिता ने गुड्डू को पाने के लिए चल दी है चाल और कर लिया है मुस्कान का किडनैप और बेच दिया है रेशमा के कोठे पर। और अपनी चाल को कामयाब होता देख ललिता अपने बेटे और रेशमा के साथ झूम झूम कर नाच रही है। सब बोलते तुम नेगेटिव क्यों, तो मुझे गली बॉय का डायलॉग याद आता है, मेरे पति से गुल्लू गुल्लू करेगी तो मैं तुझे छोड़ूंगी सॉरी ना। तो अगर मेरे पति को लेके गई है तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी। तो मैंने उसकी बेटी को किडनैप करा के उसे कोठे पे बेच दिया। ये है हमारी कोठे वाली मैडम रेशमा बेगम। रेशमा बेगम, तो इनको हमने हमारे साथ सौदा किया है और हमने दे दिया, भैया तू संभाल अभी जो संभालना है तो। और ये हमारे करण जो शो में मेरे बेटे प्ले कर रहे हैं, तो हमारी फैमिली एक तरफ है, ललिता करण लक मतलब लकी विकी एंड मेरी माँ, और ये पूरी तामझाम एक तरफ है और ये अलग ट्रैक चल रहा है कुछ और, बट सबकी लिंक है ललिता। तो आप परफॉर्म करने वाली हैं? नहीं नहीं, आज जिसकी वजह से ये सब तामझाम हो रहा है वो परफॉर्म करेगी, मैं तो माचिस की तीली बनकर उनके ऊपर नोट उड़ाऊंगी। तो या भाई, मुस्कान को कोठे पर नाचने के लिए मनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही रेशमा के आदमी ने मुस्कान को मोबाइल पर क्लिप दिखाई तो मुस्कान नाचने के लिए तैयार हो गई। वो तैयार नहीं हो रही है और उसे ज़बरदस्ती तैयार करने की कोशिश की जा रही है और तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे वो जल्दी चुपचाप से अपनी मर्जी से आए और जो जो मैं कह रही हूँ वो करती जाए। मुझे डांस करना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने बुलबुल दीदी को फंसा लिया है, तो मुझे बुलबुल दीदी को रेस्क्यू करने के लिए डांस करना पड़ेगा। असल में मुस्कान को पता चल गया है कि उसकी बहन बुलबुल उसे बचाने आई थी, लेकिन रेशमा और उसके आदमियों ने उसके साथ चाल चलकर उसे किडनैप कर लिया और अब अपने साथ साथ अपनी बहन बुलबुल को बचाने के लिए मुस्कान ने डांस की महफिल में रंग जमाया। आज मुस्कान लोगों का दिल पिघलाने वाली है और उसे सिखाया मैंने कैसे दिल पिघलाना है उसकी मुस्कुराहट से, और पूरा इंतजाम किया गया है। हाँ जी रेशमा बेगम, अब तैयारियां चाहे कितनी भी कर लो, ये रंजू की बेटियां हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी, इसीलिए पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि बच कर रहिए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।